threaten the outcast in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you are will be fine. Today the date is 28th April 2020 and the day is Tuesday. So students, we will move to our today lesson. This is the science reading book of our class. I have opened the page number 14 and the unit number 4. A-N-I-N-E-M-A-L-S, mals, animals. First of all, students, you will write here date 28th April 2020 and the right here CW and the hair is day TUESTUESDAY day Tuesday. Okay ji, animals SOME sum. Animals are big. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बिग यानी कि बड़े होते हैं. सम आर स्मॉल और कुछ वो जो होते हैं वो छोटे होते हैं. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं यानी कि जानदार होते हैं. सो दे नीड फूड, तो इसीलिए उनको ज़रूरत होती है फूड खुराक की. टू स्टे अलीव, जिंदा रहने के लिए उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है. एनिमल्स लाइक हॉर्स, हॉर्स को अंडरलाइन करें. काओ एंड गोट. एनिमल्स लाइक, देखिए हॉर्स बना हुआ है, काओ एंड गोट ईट लीव्स एंड ग्रास. और ये गोट बनी है, ये तीनों क्या करते हैं, क्या खाते हैं? लीव्स एंड ग्रास. ठीक है जी, ये आपने करना है. एंड द एनिमल्स लाइक डॉग. एनिमल्स लाइक डॉग को अंडरलाइन करें, लाइन को अंडरलाइन करें. एंड टाइगर, टाइगर को अंडरलाइन करें. ईट मीट, मीट को अंडरलाइन करें. यानी कि हॉर्स, काओ, गोट जो है वो ग्रास और लीव्स खाते हैं, और डॉग और लाइन और टाइगर जो है वो क्या खाते हैं? मीट यानी कि गोश्त खाते हैं. ठीक है जी, ये हमारा आज का लेसन है 28 का. ये आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और इसको याद करना है. ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर टुडे ओरल लेसन ऑफ साइंस. आई हैव ओपन द प्लानर ऑफ साइंस एंड द यूनिट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल्स ईट लीव्स एंड ग्रास. विच एनिमल्स ईट लीव्स एंड ग्रास? हॉर्स, काओ, गोट, शीप, जिराफ. ये एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं. 28th का आपका लेसन है. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 4 का ये आपने अच्छे से लर्न करना है.